नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा बिट्स एंड बाइट्स। आज बनाएंगे मसाला चिकन, यानी कि चिकन कसा। तो इसे मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल मसालों के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन। चिकन को अच्छे से धो के रखा है। अब मुझे बना लेनी है एक पेस्ट। तो मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च ले लिया है। ये सूखी लाल मिर्च है, तो इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। और कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है। उसमें ले लेनी है मुझे सरसों का तेल। तो अब मैंने ये पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने काली मिर्च डालने भूल गई थी, तो मैं उसे डालकर पेस्ट बना लूँगी। अब मैं थोड़ी सी गरम मसाला और तेज पत्ता का डाल के उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। गरम मसाला में मैंने थोड़ी सी दालचीनी, दो लौंग और एक छोटी सी इलायची ली है और एक तेज पत्ता। तो प्याज को मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी, तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे चपाती, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, और ये राइस के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं अब गोल्डन ब्राउन होने पर अब डाल दूँगी मैं टमाटर। टमाटर को मैंने बड़े बड़े ही रखे हैं। अब मैंने जो मसाला पेस्ट किया था उसे डाल देना है। डालूँगी हल्दी। अब सभी मसालों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं वही रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती हूँ जो मेरे घर में सभी को पसंद आती है। तो आप कोई भी बिना टेंशन के ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके घर में भी सभी सदस्यों को ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने मिक्सी में थोड़ा पानी ले लिया है और ये मसाले वाला पानी थोड़ा मैं ऐड कर दूँगी और फिर से मैं मसालों को अच्छे से पकाऊँगी। तो मसालों को थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन के पीसेस। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करने बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जो वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मैं फ्लेम को थोड़ा स्लो टू मीडियम ही रखूँगी। इसे अच्छे से मुझे पका लेना है। तो मैं मसाला के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन को। अब मैं इसे ढक दूंगी और मैं बीच बीच में इसे खोल के चला भी लूंगी। जैसे कि इस डिश का नाम है चिकन कसा, तो इसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी, तो इसे इस तरह ही पकाऊंगी। और अब मैं डाल दूंगी स्वादानुसार नमक। अब नमक के साथ मिक्स करके फिर मैं इसे ढक दूंगी। तो फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, स्लो टू मीडियम ही रखना है। और ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद ये पानी इससे निकल रही है, चिकन अपना पानी छोड़ रही है, तो इसी पानी में ये कुक हो जाएगी। तो हमें इसे बीच बीच में खोल के चला लेना है। और ये ग्रेवी का कलर देखिए, अभी से ही टेस्टी लगने लगी है। तो इसे चला के मैं फिर से इसे ढक देती हूँ और बीच बीच में खोल के चलाती रहूँगी। इसकी ग्रेवी भी काफ़ी रिड्यूस होने लगी है, काफ़ी थिक सी ग्रेवी बन गई है। तो इसे अभी भी मैं कुछ देर के लिए रखूँगी, जब तक कि ये ना पूरा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, इसे फिर से चला लूँगी, फिर से मैं ढक दूँगी। इसे मैं एकदम ड्राई बनाऊँगी, ड्राई चिकन कसा। ये खाने में बहुत ही, ये देखिए, ये अपना तेल छोड़ रही है, तो ये अच्छे से अब कुक भी हो चुकी है। तो चिकन के पीस को मैं देख लेती हूँ ये अच्छी तरह से कुक हुई है या नहीं। तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें अब डाल दूँगी थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम मसालों के साथ ये चिकन कसा बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छे से मैंने गरम मसाला को मिक्स कर लिया। ऊपर से मैं डाल दूँगी ये हरी धनिया, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।